हेलो फ्रेंड्स, पूरे दिन तरोताजा और शारीरिक ऊर्जा बनाए रखने के लिए सुबह का नाश्ता बहुत जरूरी होता है, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए, क्योंकि गर्भावस्था के दिनों में तनाव, मॉर्निंग सिकनेस, शरीर दर्द, कमर दर्द, कमजोरी और थकान जैसी समस्याएं होती है। इनसे बचने के लिए जरूरी है कि आप नाश्ते में ऐसा आहार लें जो पौष्टिक तत्वों से भरपूर हो। यहाँ मैं कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में बता रही हूँ जिन्हें आप नाश्ते में ले सकते हैं। दोस्तों, सुबह के नाश्ते में दूध जरूर लेना चाहिए, क्योंकि दूध में कैल्शियम और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है और जो शरीर की समस्याओं को दूर करने के साथ साथ शिशु की हड्डियों के विकास में भी मदद करता है। दूध के अलावा आप छाछ, पनीर, दही, मक्खन भी ले सकती हैं। दोस्तों, फलों में कई तरह के विटामिन्स और पोषक तत्व होते हैं जो शरीर में पानी की कमी नहीं होने देते और बॉडी को पूरे दिन एनर्जी प्रदान करते हैं। इसके लिए आप घर में ताजे फलों का रस निकालकर उनका सेवन करें या ताजे फल खाएं, लेकिन ध्यान रहे अनानास और पपीता भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करें, यह आपके गर्भ को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, गर्भवती महिला को नाश्ते में उबले हुए अंडे का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अंडे में प्रोटीन, आयरन, फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। ऐसे में आप तीसरे महीने के बाद से ही अंडे का इस्तेमाल करें या ऑमलेट का इस्तेमाल करें। अंडे का इस्तेमाल करने से आपको दिन भर शरीर में ऊर्जा बनाए रखने में मदद करेगा और शिशु के विकास में भी सहायक होगा। दोस्तों, दालें, कॉर्नफ्लेक्स, दलिया का इस्तेमाल नाश्ते में बहुत फायदेमंद होता है किसी भी गर्भवती महिला के। साबुत अनाज में फाइबर और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। अगर आप नाश्ते में इनका सेवन करते हैं तो आपको पूरा दिन फ्रेश और तरोताजा रहने में मदद मिलेगी और साथ साथ आपकी पाचन क्रिया भी दुरुस्त रहेगी। दोस्तों, नाश्ते में आप सेब, संतरा, गाजर, टमाटर, अनार, चुकंदर, केला, कीवी का सलाद बनाकर खा सकती हैं, ताकि आपको एक ही बार में कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स मिल सके और शरीर की जरूरत पूरी हो सके। दोस्तों, गर्भावस्था के तीसरे महीने के बाद आपको भीगे हुए बादाम का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन और डाइट्री फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है जो हृदय संबंधी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गई होंगी कि सुबह का नाश्ता कितना जरूरी है आपके लिए और क्या क्या खाना चाहिए। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।